बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा होते, इतना संगलो। और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि काहे रहो मैं पीछे। माँ गई भैया मेरी तो सब लुट गो, मैं तो भैया कची ना बचो। मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। ऐसा सत्संग जो कई परिवारों के लिए काल बन कर आया। किसी ने अपनी माँ को खोया तो किसी ने अपनी बेटी को, तो किसी ने अपने जीवन साथी को। हादसा इतना बड़ा कि इसमें 121 लोग हमेशा के लिए काल के काल में समा गए। वहीं 28 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ संत भोले बाबा के सत्संग में हुई इस दर्दनाक घटना से पूरा देश शोक में है। इस बीच जब हमने मृतकों के परिजनों से बात करने की कोशिश की तो किसी का दुख कैमरे के सामने छलक पड़ा, तो कोई परिजन ऐसा था जिसके आंसू इस घटना के बाद सूख गए थे। वे पथराई आंखों से अपना दुख सुना रहे थे। मेरे पत्नी ले गए इसमें, डेथ हो गई। हाँ डेथ हो गई। किन के साथ आई थी? गांव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारी गांव की। हमारी बेटी वो आई जब तो सुरक्षित पहुँच गई घर। नहीं वो जो तीनों खत्म है गई जी, बिटिया मेरी सुरक्षित पहुँच गई घर है बस। तीन कौन कौन खत्म हो गई? आपकी वाइफ? हाँ और एक चाची लगती पड़ोस की। हाँ पड़ोस की और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म। मैंने मने करी सुबह ने, मैंने मत जाए तू, मैंने कहा दो दिन पहले गई मैंने कहे, और तू मैंने कहे 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओ। कह सुन नहीं मानी बेटा, आओ मेरे मुँह पर झज्जरा पर तुम कहाँ कहाँ करब कर तो जान दो, कहीं और चुप पर गो नहीं आयो आवन नहीं दी तो भाई मान जाती। मतलब हूँ ज्यादा लागत करते तो मान जाती है, ऐसी नहीं बुकती पर बेटे की वजह से मान गो। मैंने कहा यही बुकर रहो जाएगी तो मैं जान दो। हाँ बेटी तो सुरक्षित है, वो शादी शुदा है। शादी हाँ बिल्कुल ठीक। बाबा जी एक बात और कि ये जो बाबा हैं जिनको मानते हैं लोग, कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा होते, इतना संगलो। और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि काहे रहो मैं पीछे, मैं आगे आगे जा रहे करके और पीठ पीछे। मतलब जनता कुचिंत चली आ रही है, मात वही चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो बिना गाय है याद ही मांगी में साथ देते भी सब ढोंगी बाबा है कसी नाथ बाबा के पास। मैं तो वही पास में ही आए गांव के में। हाँ। तभी एक बार गो बस फिर मैं ना गो। मेरी घर वाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लुट गो, मैं तो भैया कसी ना बचो। मेरी मम्मी घरवारी और मेरी लाली, मेरी तीनों लाली तीनों, एक ही लाली है तीन लोग। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी, मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब है, और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई अंदरूनी चोट वगैरह? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के चोट नहीं है बिल्कुल भी नहीं, किसी के हाथ टूटा है नहीं, पैर टूटा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी आपकी उम्र? 16-17 साल की है। खत्म हो गई? हाँ। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी, 10वीं में आई थी, मेरे साथ आती थी, हमेशा आती थी वो। अस्पताल भी ठीक ठाक पहुँची? हाँ अस्पताल ठीक, मैं बता तो रही हूँ आपको, अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक पहुँची थी मेरी बेटी तो। बाबा ये और कौन है?
मेरे पिताजी दीदी आए थे, कोई एक्सपायर भी हो गया दीदी बड़ी 35 साल। तो क्या बाबा बाबा ने इंतजाम किया थे, व्यवस्था थी उनके सुनने की? भीड़ थी ऐसी। बाबा सीएमओ आगरा ने बताया कि मृतकों या पीड़ितों के परिजनों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। अस्पतालों में व्यवस्था की गई है जिससे मृतक की पहचान करने में कोई परेशानी न हो। 10 से अधिक पोस्टमार्टम हो चुके हैं और हम लोग उनको बॉडी को डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं और शवान के माध्यम से उनके आवास में पहुँचा रहे हैं। इसमें किसी भी चीज की असुविधा ना हो इसलिए पूरी मदद भी की जा रही है। जो लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक मरीज रात में एडमिट हुआ था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेमलता, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और इस समय प्रयास यही है कि शीघ्र इन बॉडी को पोस्टमार्टम करके हम लोग इनके आवास में भेज पाए। सत्संग वाली जगह पर अब अजीब सी खामोशी है, लेकिन इसमें भी उन मृतकों की चीख सुनाई दे रही है जो इस भगदड़ में नहीं रहे। दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से आई दिल को झकझोड़ देने वाली इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है बदइंतजामी का, अव्यवस्था का, पीड़ा का, आस्था रखने वाले भक्तों के दर्द का, जिसका जवाब उन परिजनों की आंखें ढूंढ रही हैं। उनके कान इन सवालों के जवाब सुनने को तरस रहे हैं, जिनके परिजन अब कभी लौट गए।